आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिशें बहुत तेज हो गई हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इसके लिए अपने मंशा खुलेआम जाहिर भी कर चुके हैं। मगर इन सबके बीच केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी चुप नहीं बैठी। बीजेपी भी 2024 के चुनावी मिशन में जुट गई है। विपक्ष बीजेपी के हार के सपने देख रहा है, लेकिन बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े विपक्षी नेता बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की वकालत कर रहे हैं और विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। लेकिन इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता के अगुआ बने चंद्रबाबू नायडू ये समझ चुके हैं कि मोदी को हराना इतना आसान नहीं है जितना विपक्ष सोच रहा है, क्योंकि विपक्षी दल जो फॉर्मूला अब आजमा रहे हैं वो फॉर्मूला 2019 के चुनाव में चंद्रबाबू नायडू आजमा कर देख चुके हैं और समझ गए हैं कि मोदी से हाथ मिलाने में ही भलाई है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर खेमेबंदी की चर्चाओं के बीच टीडीपी के मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह के आवास पर हुई इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। बीजेपी और उसके पूर्व में गठबंधन सहयोगी रहे टीडीपी के बीच संभावित गठबंधन की अटकलों के बीच ये बैठक हुई। ये दोनों नेताओं ने आंध्र प्रदेश में एक साथ आने की संभावना पर चर्चा की। नायडू की पार्टी आंध्र प्रदेश के साथ ही तेलंगाना में भी मुख्य विपक्षी दल है। वैसे भी बीजेपी के नेताओं ने अपने मिशन दक्षिण में तेलंगाना पर फोकस बनाकर रखा है और राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि हालांकि आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद के विशेष राज्य दर्जे की मांग को लेकर 2018 में बीजेपी ने नाता तोड़ने वाले नायडू बीजेपी के साथ चुनावी समझौते के इच्छुक हैं। बीजेपी के राज्य यूनिट के नेताओं का एक धड़ा नायडू के साथ किसी भी गठबंधन का विरोध कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ साल से दोनों दलों के बीच संबंधों में खटास आ गई थी। ये नेता नायडू के 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने और बाद में कांग्रेस के प्रति अपनी गर्मजोशी को लेकर नाराज हैं। बहरहाल कर्नाटक विधानसभा चुनावों में हार के कारण बीजेपी के बड़े नेताओं ने दक्षिण भारत के अन्य राज्यों विशेष तौर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर अपना फोकस कर दिया है। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस को इन राज्यों में कोई विशेष चुनावी लाभ नहीं मिले। अमित शाह ने पहले तो कई मौकों पर टीडीपी के साथ गठबंधन से इनकार किया था, मगर पिछले साल से नायडू के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने में कई बार दिल्ली का चक्कर लगाया। टीडीपी ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का भी समर्थन किया था। हाल ही के दिनों में चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी, तो ऐसा माना जा रहा है कि नायडू एक बार फिर एनडीए में शामिल होने के लिए बेचैन है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।